ये शहर सपनों को घर देता है, इरादों को मंजिल देता है, अरमानों को हासिल करता है, दीवानों को काबिल करता है। लेकिन मैं वो दीवाना था जिसने काबिल बनकर अपनी मंजिल को हासिल तो किया, लेकिन सपनों के पीछे अपनों को पीछे छोड़ दिया। छह महीने पहले मैं इलाहाबाद में एक छोटा सा स्टॉक ब्रोकर था। नमस्ते जी, रिजवान अहमद, आपका ट्रेडिंग कंसल्टेंट। जी, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए थी। पर छोटे शहर के लोगों के चिल्लर मुझे बड़ा आदमी नहीं बना सकते थे। कमाल कर दिया। अबे घंटा कमाल, इतना माथापच्ची करने के बाद 5,000 इन्वेस्ट किया। बल्लू कसम से ना, अगर मैं एक बार मुंबई गया तो रोका किसने तुझे भाई? मेरे सपनों को जरूरत थी बड़े शहर की, पर इन्होंने मुझे रोक कर रखा था, मेरे अब्बू। श्री जुल्फिकार अहमद, वफादारी की मिसाल है अहमद चाचा। आज इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस में अपने 25 साल पूरे किए, तो हम अपने और अपने परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। घड़ी, वाओ, इतनी खूबसूरत घड़ी है ना अबू, महंगी होगी ना अबू? वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। हमने 2,690 वफादारी की कीमत। खाना 2,690, यही बोला ना आपने? हम मुंबई जाना चाहते। क्यों? काम करने। काम करते रहे, इलाहाबाद मुंबई में क्या फर्क है? वो जो CNG और डीजल में फर्क है अबू, तरक्की करना है, कुछ बनना चाहता हूँ। और अगर कुछ नहीं बन पाए तो? फेल हो गए तो? बहुत यकीन है ना आपका हमारे फेल होने पर? नहीं भाई, वो ऐसी बात नहीं है, अबू को आपकी चिंता होती। और इतना बड़ा शहर है, जाने अनजाने लोग हैं, नौकरी मिली ना मिली, यहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल तो रहा है। का अच्छा चल रहा है अबू? अरे नहीं चाहिए खटारा स्कूटर, ये 50% सेल के कपड़े, नहीं बता मुझे 25 साल की कंपनी में। वफादारी की मिसाल। इस वफादारी का मजाक उड़ा रहे हो ना? उसे ये टीवी आया जिसमें सेंसेक्स देखता, घर बनाया जहां तुम रहते हो। अबू, वफादारी इंसानों का काम नहीं होता है, हमारे पास दिमाग है आगे बढ़ने के लिए। ये पटरी की सोच आपकी होगी, मेरी नहीं। अजय भंडारी आया था? हाँ आया था। और तुम्हें पता है क्यों? अपने फादर के लिए एक नई गाड़ी खरीदने। यार मुझे भी ये सब करना है, तुम्हारे लिए, अबू के लिए। प्रभु को ये बात समझ में नहीं आती है, वो बस खुश है अपने वफादारी एडिशन वाले घड़ी के साथ। जब सही समय पे फैसला ले लिया
तो सही समय पे निकल भी जाओ। इतना आसान नहीं है आमना। आसान है। पेटीएम पे फ्लाइट बुक करो और जाओ। आसान है भैयू। आप ना अब्बू को समझे नहीं। आपको नोटों की कमाई पसंद है और अब्बू को इज्जत की। आप गलत नहीं हो, लेकिन अब्बू भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा बाप सोचो मत और जाओ। अब्बू की घुटनों की मालिश। हर संडे शर्मा से राशन, इमरान से सिलेंडर। महीना शुरू होते पक्का ना। प्रॉमिस। टीम के हर नए खिलाड़ी के लिए एक सीनियर खिलाड़ी उसका खुदा होता है। शकुन कोठारी, मेरा खुदा। मिच्छामी दुकड़म मतलब हर उस गलती के लिए क्षमा मांगना जो जाने या अनजाने में हो गई। जाने या अनजाने में अगर मैंने किसी भी प्राणी या व्यक्ति को दुख पहुंचाया ऊपर तो उसके लिए क्षमा। तो संतनो बनवानो के हम चले कैसा चल रहा है हार्वर्ड? कुछ सीखा या बहुत कुछ सीखा? दोनों ही मैनेज हो रहे भैया। पता है मैं कहां स्कूल गया? केंद्रीय विद्यालय सूरत। क्या दिन थे। मैं स्कूल जाता था तो सिर्फ खिलौने वाले के इंतजार में। रमकड़ानी गाड़ी आवी, सूसू लावी, हाथी घोड़ा बंदरा लावी, कुर्सी टेबल बंगला लावी, सरस मजानी डिंगली लावी, छोकरा रे रमक रानी गाड़ी आवी, बोलो तमने शू जोइए। ये आखिरी लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि चाहिए तो मुझे हर खिलौना था, पर पैसा है कभी नहीं। समझ गया, शकुन से शकुन सेठ बनना जरूरी था। 5 मिनट 6 तारीफा से शकुन, जो कहना है जल्दी बोल ले। केंद्र विद्यालय मुझे कुछ नहीं सिखा पाया, पर बाजार की गणित तुम्हारे बड़े पापा ने सिखा दी। और तू बड़ा फ्रॉड निकला। 4 मिनट 6 तारीफा से बोर्ड के चेयरमैन होकर अच्छा काम किया है आपने, पर वक्त आता है जब हर पुराने प्लेयर को रिटायर हो जाना चाहिए। कंपनी की हालत खराब है, उसे एक नए लीडरशिप, एक नए विजन की जरूरत है। और ये नई लीडरशिप नया विजन किसका होगा? तुम्हारा? इस कंपनी के 12% शेयर मेरे नाम पे है। 18% मेरे पास है। मेजोरिटी स्टेक होल्डर हूं मैं इस कंपनी का शकुन कोठारी, ये मत भूलना। कंपनी के शेष मैं तुम्हारे हाथ आने नहीं दूंगा। सागर मल्होत्रा, आपके बोर्ड मेंबर।
पिछले हफ्ते आप ही ने सागर भाई को अपने कंपनी के 7% शेयर बेचे थे। सोचना चाहिए था चड्डा भाई, सोचना चाहिए था कि सागर भाई के पास इतने पैसे कहां से आए। बैंकरप्ट बिजनेसमैन का बैंक तो खाली रहता है। वो पैसे सागर भाई को मैंने दिए थे, यानी कि वो 7% शेयर मेरे हैं। शांतनु, 12 और 7 का मैच कितना हुआ? 17 सॉरी 19 हार्वर्ड 19%, यानी कि मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर मैं हूं। अब ये है आपके ऑप्शन। पहले में लिखा है कि आप कंपनी से रिजाइन कर रहे हैं साल खत्म होने पर, सम्मान दे रहा हूं। दूसरे में लिखा है कि आप रिजाइन कर रहे हैं इसी वक्त, सम्मान कम कर रहा हूं। और तीसरे में लिखा है कि आपको कंपनी से निकाला जाता है, फायर्ड, सम्मान की मां की। जो होगा सो करूंगा, पर कंपनी का कंट्रोल तेरे हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरी इज्जत रख ली चड्डा भाई, जल्दी हार मान लेते तो शिष्य के सामने गुरु की नाक कट जाती है। ही वॉन्ट्स ए फाइट। शायद आपने ध्यान नहीं दिया पर आपके सामने 4 लिफाफे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4th में इंटरेस्ट होना चाहिए। खोलकर देखिए। शांतनु, पप्पा ने खबर पड़ी गई। हार्वर्ड छोकरा रे। सम्मान की मां की, मन वचन अनिकायति मिच्छामि दुक्कड़म। उसके तरीके शायद सही नहीं थे, लेकिन शकुन कोठारी बंदा सही था। शकुन ने अपना करियर अंगड़िया बनकर शुरू किया था। अंगड़िया वो लोग जो गुजरात और मुंबई के बीच पैसे और हीरों का हवाला करते हैं। इनकम टैक्स वाले पुलिस के साथ अक्सर इन ट्रेन्स में छापा मारते थे, पर शकुन कभी पकड़ा नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय शकुन 10 साल का था। जब उसके उम्र के बच्चे किताबों के पन्ने पलट रहे थे, शकुन नोट गिन रहा था। जेबें दोनों भरी हैं, बाहर देखो एक लंबी गाड़ी खड़ी है, जो भी चलता है कान के पीछे हवाला मंडी मेरी खड़ी है। हम आगे सब पीछे, अब दुनिया झूठे के नीचे, तेरे भाई की फोटो हर लड़की अब अपने फोन में खींचे। बैंड का साइज बढ़ता चला गया और उसके सपनों का भी। एक तरफ शकुन अपने सेठ का भरोसा जीतने लगा और दूसरी तरफ उसकी बेटी का दिल। हमारे नदी पे हो जो किया। ओके शकुन, ये है मेरी बेटी मुन्नेदा। हाय। हेलो, जय श्री कृष्ण। थैंक यू मज्जा। जय श्री कृष्ण। ABCD की सीढ़ी पर चढ़ के
शकुन जमीन से आसमान की तरफ निकल पड़ा। जय श्री कृष्ण। हाउ डू यू डू। पर ये रासलीला भी शकुन के लिए एक इन्वेस्टमेंट ही थी। पारिक सेठ ने उसे मंदिरा का हाथी नहीं अपने डायमंड इंडस्ट्री का छोटा हिस्सा भी दे दिया और शकुन ने उस 50 करोड़ की डायमंड इंडस्ट्री को 5000 करोड़ बना दिया। कंपनी बेचता खरीदता गया बस एक ही मकसद से प्रॉफिट। ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता। शकुन कोठारी जैसे लोगों ने पूरे बिजनेस कम्युनिटी का नाम खराब करके रखा हुआ है। शकुन कोठारी बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये छेड़ा ग्रुप का हॉस्टाइल टेक ओवर है। द नेम शकुन कोठारी कीप्स क्रॉपिंग अप अगेन एंड अगेन। यदि शेयर बाजार में पैसे कमाने हैं तो आप शेयर खरीदिए और रखिए। यदि रोज रोज ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी का मोटो है बाय राइट सेट टाइम। दुनिया उसके तरीकों से सहमत नहीं थी पर शकुन को फर्क नहीं पड़ता था। इस देश को वही 5-7 फैमिलीज चला रही हैं। टाटा बिरला रूया अंबानी वाडियर्स। थोड़ा तो गेम चेंज होना चाहिए। कोठारी क्योंकि अचीवर है शकुन कोठारी हर छोटी जगह से आने वाले के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल। ये रूम है एकदम झकास। 15,000 भाड़ा है और आपको 6 महीने का एडवांस देना पड़ेगा। हमें सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए। अरे एक तो मुसलमान दूसरा सिंगल और अब 2 महीना टेररिस्ट तो नहीं ना। नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं वो सोसाइटी चेयरमैन बोलेगा ना। अरे सर अपने सोसाइटी चेयरमैन को कहना कि हम 2 महीने बाद उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। हम यहां स्ट्रगल करने नहीं सेटल होने आए। कहते हैं ना किसी नई शुरुआत से पहले अपने खुदा के आगे मत्था टेकना चाहिए। सड़क के उस पार मेरा खुदा था। मन तो कर रहा था कि सड़क पार करूं सीधा उनकी तरफ फिर मैं जानता था कि पहले मुझे खुद को उनके काबिल बनाना होगा। कैपिटल ब्रोकिंग शेयर बाजार के लेन देन में नंबर 1 कंपनी और शकुन कोठारी तक पहुंचने का मेरा पहला कदम। मैडम आप मेरा नाम जानती हैं ना। आई एम कन्हैया मुराजी। मैं कब से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। इट्स बीन 1 आवर नाउ। मैडम वाल्व जी से मिलना था। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट सर। नहीं हम कल ही इलाहाबाद से आए। ये मेरे कुछ पेपर्स हैं। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। मिस्टर ये कैपिटल ब्रोकिंग है ओके। यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनली एजुकेटेड या IIM वाले आते हैं। अब बीच में बात मत कीजिए। आर यू लिसनिंग टू मी। प्रिया राय और मिस्टर वाधवा से मेरी मीटिंग है और उन्होंने बुलाया मुझे इस मीटिंग के लिए। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया राय को फोन लगाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सर प्लीज लिसन टू मी। सर प्लीज सर व्हाट इज इट। मैम एक मिनट में पहुंच रही है सर। आप प्रिया राय को बोल देना कि कन्हैया मुराजी निकल चुके। प्लीज लिसन टू मी सर। वॉन्ट बी लॉन्ग। यस मिस्टर वाधवा आई अंडरस्टैंड द नंबर्स डू नॉट अप पर कन्हैया मुराजी बाहर वेट कर रहे हैं तो नहीं मैं उनको नहीं पहचानती पर मैं 5 मिनट में ढूंढ के उनको ऊपर ला रही हूँ। मिस्टर मुराजी राय प्रिया राय आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। नो प्रॉब्लम। यू हैव का पास। सॉरी एक्सक्यूज मी। चले। यस सॉरी कम। एक्चुअली वो देर हो गई क्योंकि वी वर इन अ स्काइप कॉन्फ्रेंस। करेक्शन चल रहा है आपको तो पता ही होगा ना सम न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन रूम। हाँ वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टैक्स रिफॉर्म राइट। या ओके सो बिफोर वी मीट मिस्टर वाधवा आपकी फाइल डिस्कस हुई है एंड
He's still not convinced with the numbers. कोई बात नहीं, convince कर लेंगे. इसलिए तो आए हम. चलिए ना. But I feel पिछले क्वार्टर का फॉल किसी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हुआ था. एक्सटर्नल रीजंस? जी, जैसे मौसम, इलेक्शंस, ये सारी चीजें बहुत ही समस्या पैदा करती हैं. Go on. हाँ, हमारा मतलब क्या है कि वेदर का इश्यू दिखाई नहीं देता है, पर वेदर हर प्रोडक्ट और हर मार्केट को लटका सकता है. हमारा मतलब डुबा सकता है. वेदर पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ऐसे अब्बू अक्सर कहते हैं. अब्बू चलो प्लीज. Automotive tax reforms, weather, elections. Kanai Morarji. Actually, Rizwan Ahmed. Oh. क्या हम 5 मिनट में सवादवा से मिल सकते हैं? Please. Of course. चलो. चलो. अरे मिस प्रिया. अरे मैडम मिस प्रिया. अरे पैशन तो देखिए. अब्बू को हाय बोलना. अरे देख लेंगे बाद में. अरे कहाँ जा रहा हूँ ना भैया. ओके सर, चलो. अग्नि फार्मा डायबिटीज की पिल लॉन्च करने वाली है. अनाउंसमेंट के बाद आज स्टॉक जाना पॉकेट मार्च है. रॉकेट थे जश. अग्नि फार्मा संदीप तलवार के बैंक के पास है ना? 20%. तो कितने में बेचेगा अग्नि फार्मा का स्टॉक? कमाल है, तुझे तो सब पता रहता है. इनसाइड इंफॉर्मेशन कैसे निकालना कोई तुझसे सीखे यार. काम ही कुछ ऐसा है दीपू. माँ बोल. नॉट फॉर सेल. मैं गारंटीड प्रॉफिट दे रहा हूं. 220 का शेयर 250 के हिसाब से 80 करोड़. तुझे तो 350 में भी नहीं. चखू ने यार, एक एडवाइस दे रहा हूं. धीरे दौड़. जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं. वर्ल्ड बेस्ट मैराथन रनर का नाम बता. और 100 मीटर चैंपियन? That's easy, Usain Bolt. करेक्ट. मैराथन में दौड़ने वालों को कोई याद नहीं रखता दीपू. Cheers. Trust me, it's going to be the best night ever. Seriously. Chilling. Take it easy. She's not looking at you. तुझे नहीं देख रही है. She's out of your league. समझे गुच्चू. Hey guys. What's up? Hello. Super. Let me get you a drink. Madam. Miss Priya. Madam. Who's that? अरे 5 मिनट प्लीज. 5. Anyway, I want those papers on Monday with the revision, okay? के साथ 4 घंटे या मेरे साथ 10 लाख.
थोड़ी गुजराती ट्यूशन देने जा रहा हूं। प्लान क्या है? जिंदगी भर यहाँ खड़े वेट करोगे? क्योंकि मेरे साथ तुम्हें मीटिंग मिलने वाली नहीं है। मीटिंग तो ऑलरेडी चल रही है सर। रही बात प्लान की, तो यही प्लान आपके लिए 30 साल पहले काम कर गया था। झूठा था। पीआर, पेड न्यूज, सब इमेज बिल्ड करने के लिए। उन आर्टिकल्स पर भरोसा मत करो। भरोसा खुद पर है सर। सुहास शर्मा हमारा हेड ट्रेडर, IIM अहमदाबाद, गोल्ड मेडलिस्ट फाइनेंस। इसे जीत लो और जॉब तुम्हारा। सर मेरा नाम रिजवान। वो क्या है ना, IIM में बहुत स्पीचेस सुनी है मैंने। स्पीचेस बोर कर दिए मुझे। मैं एक्शन में यकीन रखता हूँ। रियल टेस्ट। इस कमरे में ये कॉफी बेच के दिखा। ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। 2 मिनट, यू हैव 2 मिनट्स। ये कॉफी बेच के दिखा और जॉब ले ले। बेचती सर खुद को। आपने इस कमरे में ये कॉफी बेचने को कहा, बेच दी। अब अगर असल दुनिया में चांस देना चाहते हैं तो दीजिए। चलो दिया। 2 दिन के लिए मुझे लो। फोन नंबर? आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ना मिस्टर चैरिटी? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मोबाइल फोन पर्सनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करना मना है। यहाँ मिल रही हर इन्फॉर्मेशन को ब्रोकर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से शेयर कर सकता है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन जानता हूँ। वेरी इम्प्रेसिव मिस्टर चैरिटी। चैरिटी व्हाई? यू नो एवरी वंस इन अ व्हाइल वाद-वाद जैसे लोग करोड़ों में पैसे कमा के गिल्ट में आके डोनेशन करते हैं, कभी किसी एनजीओ को, कभी किसी गरीब को। सो बाधवा ने तुम्हें 2 दिन दिया है अपने खुद के मन को शांति पहुंचाने के लिए, इसलिए चैरिटी। मनी 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 मनी
नाश्ता और सब्जी मंडी का सॉलिड कॉम्बिनेशन। हाँ, दो दिन मिस्टर चैरिटी, इस लिस्ट में से किसी एक का ट्रेडर बन के दिखा। ओके, गॉट दैट सर। नेक्स्ट क्वार्टर द 20% प्रॉफिट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लिस्ट देखना था, वेंड इट। डेथ वारंट, इसको भी डेथ वारंट इशू हुआ है। डेथ वारंट रिजवान अहमद, ये वो 50 नाम है जिन्हें हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। सर 250 में 2 जा रहे हैं। यहाँ बैठा हर कोई ट्राई मार चुका है और अपनी मरवा चुका है। साइरस दलाल फैमिली ट्रस्ट फंड, सौरत मेहता डायमंड ट्रेडर, यस यस सर, रोमिल सेठ क्रिमिनल लॉयर, नीतू पंजाबी, ध्रुव कालरा, तनवीर सिंह आर ऑल सीईओस। तो ये लोग मुझे अपने ट्रेडर क्यों बनाएंगे? है तो स्मार्ट, बट ये डेस्क अनलकी है। क्या डेस्क अनलकी मतलब? सुबोध चैटर्जी बैठता था इधर। एक दिन खड़ा हो गया। पीपल से कि वो बाहर किसी को इंसाइड इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था। किसे? है कोई जिसका पता सबको है पर खबर किसी को नहीं। I just want to thank all of you for coming here today. मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मैं ये चैरिटी इवेंट्स क्यों करती हूँ। The answer is very simple. Because I love kids. Actually, ये सब शायद मुमकिन नहीं हो पाता अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलती ऑफ माय डियर हस्बैंड। शकुन, do you want to say something? लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं, मैं कहता हूं भगवान से कम भी नहीं। तो मेरे रईस भाइयों, चैरिटी ऑक्शन छोड़, बटुए ढीले करने को तैयार हो जाओ। और ये खूबसूरत एलिफेंट की पेंटिंग बाय आर्टिस्ट जयदीप मेहरोत्रा स्टार्टिंग एट ₹10 लाख। एलिफेंट्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब मेल एलिफेंट मीटिंग एज पार कर देता है तो फीमेल एलिफेंट उसको लात मार के बाहर निकाल देती है। सारू जोक चे? जोक नहीं है। सोल्ड टू मिस्टर सिंह। जो भी कुछ करना है फैमिली स्पेस से बाहर करो, मेरे सामने नहीं और मेरी बेटियों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। I know. Hello. Good morning, Mr. Dalal. Yes. हाँ जी, हमारा नाम रिजवान अहमद है, आपके पास 2 मिनट चाहिए। Please don't disturb me. I am busy. Hello, Mr. Dalal, sir. And sold to Mr. Naidu. अरे सर, हमने खुद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। जी सर, पिछले क्वार्टर में ही। हेलो, अरे क्या बात है सर? अरे हमारे पेरेंट्स की भी वेडिंग एनिवर्सरी जनवरी में। 15, 20 फरवरी, 25 मार्च। एंड सोल्ड टू मिस्टर गौरव चावला। एंड नाउ आर्टिस्ट अरजान खंबाटा का
ये खूबसूरत पीस। मिस्टर कोठारी, आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। कम ऑन मिस्टर कोठारी, मेरे लिए प्लीज। 50 लाख तारा माटे। $60 lakhs for a good cause. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 1 crore. Le lo. और ये पीस जाता है मिस्टर संदीप तलवार को 1 crore के लिए। थैंक यू सो मच संदीप। अग्नि फार्मा पूंजा एग्जाम्पल सेट कर रहा था। हाउस मेकिंग एग्जाम्पल था। तारी बाप ने समझा विषय, मैंने 100 रुपए का कूड़ा तुझे 1 crore में बेच दिया फॉर माय कॉज। मेरा चैरिटी फंक्शन है, काम पे ध्यान दे दीपू। संदीप तलवार लेडीज एंड जेंटलमैन। चैरिटी, अगर कूदने का प्लान है ना तो सामने वाले ऑफिस से ट्राई करो। स्मार्ट मेंटालिटी। तुम्हें किससे प्रॉब्लम है? हमारे छोटे शहर से होने से या हमारे होने से? हाँ, हम तुम्हारे टाइप के नहीं है ना। माई टाइप? खानदानी रईस, फ्लुएंट इन इंग्लिश, थाली पे सब सजा के मिलता हुआ टाइप्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून ना। डोंट गो देयर। तुम मुझे नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानती। हम यहां कूदने नहीं, उड़ने आए। जो सपने तुमने मरीन ड्राइव पर बैठ के देखे वो ही सपने हमने इलाहाबाद के छत पे देखे। और सपनों की एक खासियत है, सपने कभी मरने नहीं देते। स्मॉल टाउन मेंटालिटी। मंत्री जी से बात हो गई है, सेटिंग हो जाएगी जल्दी। आप थोड़ा इत्मीनान रखिए। हम धंधा करने वाले व्यापारी लोग हैं दुबे जी, हमें सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है। ताबड़तोड़ बिना मगज मारे 200 crore दिए हैं आपको। जी वो मैं बस थोड़ा सब्र मांग रहा हूं आपसे। सब्र की कीमत लगेगी दुबे जी। फार्मा मिनिस्ट्री में कितनी अच्छी पहचान है आपकी। यार अग्नि फार्मा को लग गई माय फ्रेंड्स। स्टॉक क्रैश होने वाला है आज। रिस्क ऑफ रूमर्स। ट्रेडिंग की दुनिया में एक छोटी सी अफवाह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। रूमर्स फैलाने के लिए शक्कू ने अपने कुछ स्पेशल टीम प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है। पहला प्लेयर प्रिंट रिपोर्टर। हेलो, प्लेयर नंबर 2 न्यूज एंकर। शक्कू का आदमी प्राइम टाइम न्यूज एंकर के टच में आता है और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है। अग्नि फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुई हलचल। सुनने में आ रहा है कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस्तीफा देंगे। तीसरा प्लेयर ब्लॉगर। ये सेम इन्फॉर्मेशन हर जगह पास ऑन की जाती है और धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन
न्यूज की शक्ल लेती है और ऐसे ही एक अच्छी खासी कंपनी की कुंडली बदल जाती है। ऑफ कोर्स ये टीम में हर प्लेयर का फायदा है। सर सर सर, हैज अग्नि फार्मा डायबिटीज ड्रग फेल्ड एफडीए अप्रूवल? नो कमेंट्स। तमाशा शुरू हो गया, काम हो गया शकुन साहब। अग्नि फार्मा के साथ तेरी भी लग गई ब्रो। ओह, लास्ट नेम ऑफ द लिस्ट, संदीप तलवार। राइट नाउ संदीप तलवार मस्ट बी गेटिंग हिज टेकन बाय द बोर्ड मेंबर्स। These are baseless rumors, Vijay. The drug hasn't even been sent for approval yet. The media is going on. TV par, paper mein, aur ab ye, social media. Two options. Allahabad collecting tickets. Ye last call. Agni Pharma ka stock price dekha hai? 40 point ka drop. Kya kehna hai tumhara is bare mein? Call. अग्नि फार्मा तुम्हारी प्रॉब्लम है। आई वुड से सेल इट, बेच दो संदीप। या व्हाट? हेलो मिस्टर तलवार। जी सर, मैं रिजवान अहमद बोल रहा हूँ कैपिटल ब्रोकिंग से। आपका बस एक मिनट चाहिए था सर, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तू मेरी किस्मत बदलेगा यू डफर? चल दिया। लेकिन मैं खरीदना नहीं, बेचना चाहता हूँ। 2 लाख शेयर्स हैं अग्नि फार्मा के, 200 के रेट पे। बोल, बदलेगा मेरी किस्मत? सर एक मिनट। हेलो, सुनिए हेलो, अग्नि फार्मा 2 लाख शेयर 200 के भाव पे। अग्नि फार्मा, अबे ओए, दिमाग के मामले मत कर, भगे ऐसे। अरे जो कंपनी 20 साल से खड़ी है वो 20 घंटे में गिर नहीं सकती। अरे भाई जाना क्यों पका रहा है यार? अरे अग्नि फार्मा एक टॉप 25 कंपनी है। ए चल चल। अरे दिकरा तू जा बाबा जा। ट्रस्ट मी अग्नि फार्मा सर, ट्रस्ट मी द मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। अग्नि फार्मा का भाव बढ़ेगा सर। कम ऑन, 20 साल की गुडविल वर्सेस 20 न्यूज रिपोर्ट से बदनामी। Sir, Agni Pharma is a top 25 company. I have a buyer at 198. Sir, buyer at 198. Sell. 2 lakh shares at 198 bought. 2 lakh shares at 198 sold. मुबारक हो, अग्नि फार्मा में आपका 14% स्टेक डन। 198 के भाव पर 2 लाख शेयर्स। अच्छा खासा 250 का भाव ऑफर किया था दीपू को। घंटों मैराथन। बाकी होर किस चीज दी ना थोड़ सी, वे तू कदर न पाए मेरे प्यार दी, क्योंकि दिल विच तेरे कोई जोर सी। छोड़ मैनु कोई परवाह नहीं, तेरी मेरी एक होनी राह नहीं। ये कोई टाइम है क्या कॉल करने का? भाई से ऐसे बात करते का? एटलीस्ट ये पूछना चाहिए कैसा हूँ, क्या चल रहा है। भाइयों, आप टिप्सी हो? क्या पिए, बियर या वाइन, रम या विस्की? ब्रांडी, सर्दी हुई थी। ओह प्लीज। इतने दिनों के बाद दहन की याद आई है
और ऊपर से लेक्चर भी मुझे ही सुना रहे हो। याद तो हर वक्त आती है हमें। हमें भी बहुत याद आती है भैयू। और अब्बू को तो सबसे ज्यादा, किसी न किसी बहाने से आपके रूम में जाते रहते। और पूछो कि क्या काम है तो कहते कोर्ट के दस्तावेज रह गए थे, बिल रह गए थे। पूरे नौटंकी है आपकी तरह। जॉब कैसी चल रही है? तुम्हें कैसे पता कि जॉब मिल गई? क्योंकि मुझे पता है आपको जो भी चाहिए होता है ना आप पाकर रहते। मैं जो चाहता था शायद उसके करीब पहुंच रहा था, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी था जो शकुन के करीब पहुंचना चाहता था। सभी स्टॉक मार्केट के चोरों के लिए पुलिस, चोर पुलिस का खेल शकुन के लिए था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि 100 की गिनती मेरे लिए भी शुरू हो गई थी। सर, अग्नि फार्मा, मेरे ख्याल से यह स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है बाय शकुन कोठारी। सुबोध चटर्जी किशोर वाधवा के लिए काम करता था। मुझे पूरा यकीन था शकुन कोठारी की वजह से इसने सुसाइड किया। एविडेंस नहीं मिला, केस क्लोज्ड। पिछले 8 साल से शकुन कोठारी का पीछा कर रहा हूं। नथिंग। कुछ नहीं मिला, कुछ ठोस ढूंढो संजय। अगली बार मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया, इट विल बी वर्स दीपू। शकुन को दो चीजों से सख्त नफरत थी, उसके स्टॉक का गिरता दाम और उसकी बेटियों के गिरते आंसू। मैं बात करूंगी संदीप अंकल से। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते। They can't talk to you like this, हाँ? संदीप अंकल के बेटे ने BBM ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया टू ऑल हर फैंस दैट यू आर अ फ्रॉड और हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। Nicholas Hosmer. What stories he told the children at the end of the day. While tired of play, all bathed and well fed, they cuddled in bed. What stories he told them, with him by their side. Agli baar meri family ko involve kiya, it will be worse, Dipu. It's Sandeep Talwar for you, you bloody fraud! कैसे कर सकता है तू? फैमिली हॉलीडेज में साथ जाता था। अ किड्स वर फ्रेंड्स। पर्सनल तो हमेशा ही था शकुन, बट आई गेस जिसके खून में लालच हो वो फ्रॉड ही करेगा। जिसे तू और तेरे इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज फ्रॉड बोलते हैं वो मेरे लिए सिर्फ बिजनेस था, जिसे तू लालच बोलता है वो सिर्फ धंधा था। वाओ, द ग्रेट बिजनेसमैन शकुन कोठारी। अरे हराना है तो सही तरीकों से हरा कर दिखा, बाय फेयर मींस। एक सौ दस स्टॉक प्राइस था अग्नि फार्मा के शेयर का जब तेरे बैंक ने खरीदा। 2 साल में 110 का 220 हो गया। HIV की ओर बना नहीं, कैंसर रिसर्च चालू है, तो ऐसा क्या हुआ मिस्टर तलवार जिससे अग्नि फार्मा का स्टॉक 2 साल में डबल हो गया? मैं बताता हूं,
अग्नि फार्मा के सेल्समैन हर डॉक्टर तक पहुंचे अपने ड्रग्स पुश करने के लिए। फॉरेन ट्रिप्स का इंसेंटिव, हाई फिगर सेल्स पर गाड़ियां, पब्लिसिटी, मार्केटिंग। डॉक्टर्स अग्नि फार्मा की ड्रग्स बेचते चले गए, फॉल्स डिमांड बढ़ी और अग्नि फार्मा की वैल्यू भी। घंटों फेयर मेंस यार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शकुन कोठारी। क्या साइड दोस्त दिया ना संदीप तलवार को, इससे पंगा नहीं ले सकते बॉस। आउट ऑफ लीग थी क्या मारा इसको? ओ मिठाई हमारे लिए। अरे फिर किसके लिए? शकुन कोठारी। तुम जानते हो शकुन कोठारी को? अरे सब जानता हूँ उसके बारे में। डेट ऑफ बर्थ 10 अप्रैल 1966, प्लेस ऑफ बर्थ दूधाला विलेज अमरेली डिस्ट्रिक्ट, जिसे आज सूरत के नाम से जाना जाता है। वाइफ मंदिरा कोठारी, दो बेटियां हैं, नयनदारा 12 साल और आयशा अलीशा। नाम आयशा नहीं अलीशा है। स्टैंडर्ड 5th सेक्शन बी यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल। सुबह बास्केटबॉल प्लेयर। और नयनदारा अच्छी सिंगर है और पेंटिंग भी करते हैं, आर्टिस्ट वैरायटी। हर ट्रेनर को चाहिए शकुन काका, सबने उसके पीएचडी करके रखे, लेकिन शकुन कोठारी को इम्प्रेस करना By the way, शकुन को मीठा तो पसंद है लेकिन इसको माइल्ड डायबिटीज भी है। तू इनसे किले से शेर मारने निकला था? एक्सक्यूज मी, थैंक यू। कम ऑन, शकुन अगर चांस नहीं देगा तो क्या होगा? मैं दे रही हूं ना चांस। Drinks tonight. अलीशा नयनतारा, जो स्कूल में हुआ उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। तो रहने दो डिस्टर्ब्ड। घी क्या मतलब? उनके क्लास में तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, आप तो एम दिन बॉदर करे छे। अलीशा 10 वर्ष नीचे, नयनतार 12। इस एज में उन्हें पता होना चाहिए कि हर सेकंड ऐसे लोग मिलेंगे जो पटकने को तैयार होंगे और उनसे लड़ना होगा, मारेगा क्या? Forget it. पर तुम ये नहीं समझोगी, खानदानी रईस, बिना घी की खिचड़ी कितनी बुरी लगती है तुम्हें नहीं पता मंदिरा बहन। बैटमैन या सुपरमैन? सुपरमैन, बैटमैन इज अ लिटिल स्कैरी। बेचारा इमेज प्रॉब्लम छे, काम तो अच्छा करता है पर कुछ लोग उसके बारे में अच्छा नहीं कहते, जैसे कि कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं कहते। मैं सही हूं या गलत ये उन लोगों को नहीं डिसाइड करना है, तुम दोनों को डिसाइड करना है। अच्छा एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरे स्कूल में एक खिलौने वाला आता था और आपको टॉयज भी नहीं मिलते थे, ब्ला ब्ला, यू टोल्ड अस 100 times। ट्विस्ट है, मैं खिलौने खरीदता था पैसे चुरा के, मार पड़ती थी खाता था।
पर जब से तुम दोनों को देखा ना, एक प्रॉमिस किया खुद से कि चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों को कभी टॉयज के लिए पैसे नहीं चुराने पड़ेंगे। अब राइट हूं या रॉन्ग हूं, सुपर हीरो श्योर हूं। अच्छा सुनो, स्कूल का स्ट्रेस मत लेना, मैं प्रिंसिपल पर अपने सुपर पास यूज कर चुका हूं। Dad, I like Batman. मैं तैयार होने जा रही हूँ, वो डायमंड लॉन्च पार्टी है तो। कभी नहीं मंदिरा बहन, डायमंड मार्केट में हो क्या रहा है पता तो चले। ओके, 5 मिनट। शकुन के कुछ फॉलोअर्स, यस, क्या बात कर रहे होंगे, कैसे शकुन ने दीपू को बर्बाद कर दिया, पर उनका एक्चुअल कंसर्न क्या है पता? अगला नंबर किसका होगा? लॉटरी जीतने के लिए टिकट लेना पड़ता है। मास्टर स्ट्रोक शकुन, मास्टर स्ट्रोक, मान गए यार। That's true यार, दीपू तो गया। अलीशा, नॉट आयशा। अरे दीपू's old news ब्रदर, नया सुन। झरना एग्रो इज टाइंग अप विद रिगांटो। वाह, दैट्स वंडरफुल। एग्जैक्टली। और ये तो तू जानता ही है कि रिगांटो जिस मार्केट में एंट्री लेती है वहां की लीडर तो बन ही जाती। बस अब कल दोपहर तक अनाउंस हो जाएगा और मेरा 550 रुपए का स्टॉक 700 छू जाएगा। एंड एज वी स्पीक मेरे पास झरना एग्रो के 10 लाख शेयर्स हैं। भेज दीजिए। झरना एग्रो सर्किट सीलिंग टच करेगा पर गिरावट की। अच्छा, तू है कौन साले? सर मेरा नाम रिजवान अहमद है, आई वर्क एट कैपिटल ब्रोकिंग। किशोर वाधवा बाहर खड़ा है, बात करूं? एक सेकंड में एक्स कैपिटल ब्रोकिंग हो जाएगा। सर मैं बस आपका लॉस बचा रहा था। ओके। अगर इसकी बात सही निकली तो अगर झरना एग्रो ने 700 टच नहीं किया तो? और किया तो? तो मैं तेरे 10 लाख शेयर्स 1100 के डबल भाव पे खरीद लूंगा। That's 110 करोड़ शकुन। मैं मैथ्स पहले करता हूं, बात बात में। ओके, यू हैव अ डील।
शेयर मार्केट में झरना एग्रो के शेयर्स पर सबकी निगाहें और शेयर्स ने लगातार उछाल दिखाना शुरू किया। मार्केट ओपनिंग से ही ये स्टॉक बढ़त दिखा रहा है। प्रिया, नॉट राइट नाउ। झरना एग्रो रिगांटो का मर्जर अनाउंस हो चुका है। स्टॉक रॉकेट। स्टॉक प्राइस ऑफ झरना एग्रो नाउ टचिंग 600 रुपीज पर शेयर। इट माइट इवन गो अप फर्दर दिस आफ्टरनून। और अभी भी खबर आई है कि दिल्ली के जंतर मंतर में किसानों का मोर्चा आज यहां तक पहुंच चुकी है कि दिल्ली की पुलिस को जंतर मंतर पहुंचना पड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, फार्मर्स नॉट एट ऑल हैप्पी विद द न्यूज ऑफ रिगांटो कमिंग टू इंडिया। सारी ऑपोजिशन पार्टीज किसानों के साथ जुड़ चुकी हैं। ऑपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि रिगांटो को हिंदुस्तान के अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जहां एक तरफ किसानों का विरोध बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ झरना एग्रो के शेयर का दाम बढ़ना रुका। स्टॉक मार्केट को झटका, झरना एग्रो गिरता हुआ नजर आ रहा है। और उस वजह से स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज की सबसे धमाकेदार खबर, किसान विरोध देखकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि झरना एग्रो और रिगांटो का मर्जर नहीं होगा सफल। मुझे कैसे पता था कि झरना एग्रो का स्टॉक गिरेगा? सर, मैं बाजार के पीछे का इमोशन पढ़ता हूं। सर, रिगांटो की हिस्ट्री कहती है दैट ये कंपनी जिस भी कंट्री में जाती है वहां लैंड एक्वायर करती है, जमीन, इंडियन फार्मा का प्राइड। सर, किसान भूखा मर जाए पर जमीन ना छोड़े, और ये बात शायद झरना एग्रो की बोर्ड ना समझ पाए ना ये IIM ग्रेजुएट्स, पर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का समझ गया स्मॉल टाउन मेंटालिटी। तू इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। ये 100 करोड़ में तुझ पर खेल रहा हूं, लेकिन याद रहे मेरे 2 ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। आइए सर, एकदम लकी घर है। यहाँ जो पहले किराएदार रहता था ना, बस 2 महीने में ही एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया। अपने खुदा तक पहुंच गया था, लेकिन खुदा जमीन पर नहीं, ऊपर आसमान में बसता है, ऊंचाई पर। और ऊंचाई पर पहुंचने की एक ही प्रॉब्लम है, साला गिरने पर टूटना पक्का है। सीधी सी बात है मंत्री जी, 30,000 करोड़ की डील है, 2% यानी 600 करोड़ आपका, स्पेक्ट्रम टेलीकॉम लाइसेंस मेरा। भैया जी, आजकल ना उठा पटक बहुत चल रही है। सेबी वाले, इनकम टैक्स वाले हमारे सारे अकाउंट्स में नजर रखते हैं, फॉरेन के भी।
बताओ भैया जी, इतना बड़ा अमाउंट आप हम तक पहुंचाओगे कैसे? आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा मंत्री जी। कैसे? ये मेरा काम है, फिकर ना थी। सेबी को कुछ नहीं मिलेगा। What's wrong? यार पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं। Are you okay? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। Do you have performance anxiety? कुछ और बोल रहा हूं। शकुन कोठारी के 100 करोड़ अकाउंट में एक हफ्ता हो गया, कहां इन्वेस्ट करो समझ में नहीं आ रहा है। कर लेंगे, डोंट वरी। रिजवान अहमद से नहीं हो पाएगा। हर चैंपियन के बारे में लोग यही कहते हैं, नहीं हो पाएगा। पर हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। एज वी स्पीक रिजवान अहमद कंपनी प्रोफाइल देख रहा होगा, सिलेक्ट करेगा, फिर कैंसिल करेगा, फिर सिलेक्ट करेगा, फिर कैंसिल करेगा। वन करोड़ 42,85,000 एंड सम स्मॉल चेंज। अब तक इतना एफडी इंटरेस्ट शकुन कमा चुका होता। कुछ करो नहीं तो मैं अकाउंट शर्मा को देता हूं। डेस्परेशन में वो एक फैसला लेगा। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और भूस्खलन के साथ तबाही ने दस्तक दी है। कहीं बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो कहीं बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। उत्तराखंड में फ्लड्स मतलब नए घर बनाने पड़ेंगे। हाउसिंग डिमांड, वहाँ का सीएम शंकर सिंह चौधरी और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चौधरी हाउसिंग, उसके भांजे की। सीएम अगर कॉन्ट्रैक्ट देगा तो अपने भांजे को ही देगा। विजय, 5 लाख शेयर चौधरी हाउसिंग खरीदो। उसे लगेगा नवरात्रि है, डांडिया खेलेगा। अभी की बड़ी खबर, शंकर सिंह चौधरी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अभी की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शंकर सिंह चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि चौधरी हाउसिंग जिसको उत्तराखंड पर ट्रेजेडी, गलत फैसला, इस बात के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उनकी ही बनाई गई डैम के टूटने से और भी ज्यादा पानी बढ़ गया है। 12.5 करोड़ का लॉस, वन हिट वंडर। बॉलीवुड में उन लोगों को बुलाते हैं जो एक हिट पिक्चर के बाद गायब, गाली से कम नहीं है ना। कल क्लोजिंग बेल तक टाइम है तेरे पास, मुझे प्रॉफिट दे या फिर तू भी वन हिट वंडर। अलाहाबाद वापस। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूं? ओ बेबी डोंट ड्रिंक, मैच्योर हो, यू फिगर इट आउट। अदर्स लोग वही बुलाएंगे। स्मॉल टाउन मेंटालिटी, चैरिटी। वेंकट, हैव अ गुड पार्टी। या भाई, सी यू टुमारो। आशीष, कुछ बोलना तो बोल रही है, ये चाहिए नहीं चैरिटी केस नहीं हूं।
अक्षता पेंट्स, आज मार्केट क्लोजिंग बिल पे प्राइस है 40. क्लोजिंग के बाद एक टॉप अमेरिकन ब्रांड के साथ डील साइन होने वाला है. अनाउंसमेंट कल होगा. उसके बाद प्राइस 70 टच करेगा. इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इलीगल, जेल भी जा सकते. मेरे जैसे लोगों को मिलती है और मेरे जैसे बनने के लिए लाइन क्रॉस करनी पड़ती है. करोगे लाइन क्रॉस? क्लोजिंग बेल तक टाइम है तेरे पास, मुझे प्रॉफिट दे, अलाहाबाद वापस. अक्षता पेंट्स, 2 लाख शेयर, 48 के भाव पर खरीदो. दिवाली गिफ्ट शकुन कोठारी की तरफ से अक्षता पेंट्स. Breaking news just coming in just now. Akshita Paints ka version. Akshita Paints 10,000 share. Akshita Paints 20,000 share. Boss. Akshita Paints 1 lakh share done. आपसे आज तक एक बात नहीं कही, आज कहता हूं. मैं मुंबई आपके साथ काम करने आया था. पहले दिन सड़क के पार खड़ा इस जगह को घूरता रहा, पर सड़क क्रॉस नहीं की क्योंकि मैं जानता था कि औकात नहीं थी. आज है औकात, आज है लाइन क्रॉस करने का दम. फिर मत कहिएगा कि मुझे इलाहाबाद वापस जाना पड़ेगा. मैं यह स्ट्रगल करने नहीं, सेटल होने आया हूं. अक्षता पेंट्स का अमेरिकन कंपनी से मर्जर होने वाला है, तुम्हें कैसे पता? खामोशी समझदारी नो जवाब छे, और समझदार से हाथ मिलाने में समझदारी है. वेलकम टू मुंबई रिजवान अहमद. हाथ मिलाने का सही मतलब समझना जरूरी है. एक हाथ ले, एक हाथ दे. काश मैं ये पहले समझ गया होता. यो यो हनी सिंगर, दिल ने ले नजारा, ले नजारा. महंगा होगा
ब्राइट को योगेश लखानी बड़े से बड़े स्टार्स की किस्मत इनके होर्डिंग्स पे चल रही है. द फ्यूचर इज ब्राइट. Alex Payne के समक, cruising in the hammock, color है तेरा brown, Kardashian जैसी कमक. Alex color है तेरा brown, Kardashian जैसी कमक. रब ने फुर्सत से तुझे बंजे हाथों से फिर भेजा मेरे पास. अपना घर छोड़ बेबी मेरे पास है दो विलास, दुबई में शिवास, कैलिफोर्निया में ग्रास. क्योंकि मैं मोटी सामी दिख लाइक सुनामी, क्योंकि मैं मोटी सामी दिख लाइक सुनामी, क्योंकि मैं मोटी सामी दिख लाइक सुनामी. चार्टर की टैंकी फुल, चल मुंबई टू मियामी. गोल बोतल गोल के बोतल बैग फड़ा दे यारा, यार तेरा बिल ने ले नजारा महंगा हो बिल करके टोटल बिल आएगा भारा, यार तेरा बिल ने ले नजारा. मोटी सामी देख लाइक सुनामी, क्योंकि मैं मोटी सामी देख लाइक सुनामी, क्योंकि मैं मोटी सामी देख लाइक सुनामी, क्योंकि मैं मोटी सामी देख लाइक सुनामी. पिछले बार फैमिली से कब मिले थे? सर 6 महीने हो गए. मुंबई आने के बाद नेवर? नहीं, गलत छे, एकदम रॉन्ग. रिश्तों में दौड़ने वाला आदमी सिर्फ दूर जाता नजर आता है, साथ खड़ा नहीं. तुम्हें क्या लगता है मैं यहां इस भोजनालय में यह थाली खाने क्यों आता हूं? क्योंकि आपको ये खाना पसंद है. बकवास छे, मैं इसलिए आता हूं ताकि मुझे याद रहे कि फिर कभी ये जिंदगी नहीं जीनी. आदमी को अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए. गगन भाई, स्काईकॉम टेलीकॉम सेक्टर का एंट्री पास, गवर्नमेंट नया टेलीकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस इशू करने वाली है. बिड्स इनवाइट होने वाले हैं. लाइसेंस नहीं, लॉटरी का टिकट है. दो दिन इलाहाबाद जाओ, फैमिली से मिलो और शांति से स्काईकॉम की कुंडली निकालो. तुमने शकुन कोठारी को कभी भी किसी ट्रेडर के इतने करीब आते देखा है? कभी नहीं सर. शकुन नए टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए बिड कर रहा है. टेलीकॉम मिनिस्टर का सेक्रेटरी दुबे, शकुन का उससे कनेक्शन. रिजवान अहमद ट्रेडर, ये सब शकुन कोठारी के गेम के खिलाड़ी हैं. ये सेक्रेटरी लोग बिना पैसों के हिलते नहीं है, काम क्या खा करेंगे. ट्रांजैक्शन तो हुआ है 100%. राइट, शकुन के साथ मीटिंग अरेंज करो, टीम के साथ. जांगर छे नानू भाई को देना हवाला माटे. लॉयर ने फोन करो, संभालना. ऑफिस से फोन बरामद. कंप्यूटर्स, कैबिनेट्स, लॉकर्स, मनी ट्रेल, कैश लेजर्स, सब कुछ. शकुन कोठारी, गुड मॉर्निंग. राणा दास गुप्ता, सेबी, प्रोफेशनल ड्यूटी. आपने, आपके किसी स्टाफ ने हमें रोकने की कोशिश की. We will initiate legal proceedings against you under Section 28A. मिला क्या संजय? ढूंढ रहे सर. हर फाइल चेक करो. कंप्यूटर,
नो फोन कॉल। तीन चार फ्लोर का बिजनेस चीज का गौरव पासवर्ड क्या है इसका? आयुष एक एक फाइल चेक करो इसका, कोई भी बड़ी टाइम लगेगा। टाइम पास करने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक गुजराती और बंगाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। चुक 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 चुक। अब दोनों बात करने के शौकीन चुप कैसे बैठे। बंगाली IAS सिविल सर्विस टाइप था और गुजराती व्यापारी। बंगाली बुद्धिजीव इंटेलिजेंट था। उसने एक गेम सजेस्ट किया कि दोनों एक दूसरे से एक एक सवाल करेंगे, गलत जवाब दिया तो दूसरे को पैसा देना पड़ेगा। पैसा? गुजराती की आंखें निकल आईं, पर फिर उसे लगा कि बॉस बंगाली तो इंटेलिजेंट है, उसे तो हर जवाब आता होगा, और ये बेचारा 10वीं फेल। बंगाली ने बोला गेम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, गुज्जू गलत जवाब के 10 रुपए देगा पर बंगाली देगा 100। अब गुज्जू भाई बोले ओके, तो गेम शुरू। बंगाली ने पहला सवाल पूछा कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी भारी भरकम है ना, तो गुज्जू भाई ने अरे आप ना भी बंगाली 10 रुपए थमा दिए। अब बारी आई गुज्जू भाई की, तो गुज्जू ने पूछा ऐसा कौन सा जानवर होता है जो 4 पैर पर पहाड़ी चढ़ता है लेकिन 3 पर उतरता है? बंगाली ने सोचा खरोचा, साला जवाब नहीं दे पाया। दिए 100 रुपये। अब गुज्जू भाई ने नोट डाला खीसे में और चुपचाप सो गए। बंगाली ने जवाब नहीं पूछा? पूछा ना, पर गुज्जू भाई 10 रुपए और देते बोला कि भैया मैं तो 10वीं फेल, मुझे जवाब नहीं आता, मुझे सिर्फ धंधा आता है, 80 रुपया मुनाफा। धंधो राना सर, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। अच्छी कहानी जेल में काम आएगी। सब कुछ नहीं कुछ? February 15 आपकी रिटायरमेंट डेट, 4 महीने बचे हैं राणा सर, कुछ कीजिए। इलाहाबाद की फेमस छत, आमना की शादी फिक्स हो गई। अनवर खान वल जावेद खान का निकाह आमना अहमद वल जुल्फिकार अहमद के साथ। सब बहुत खुश हैं, मैं भी, पर बहुत से थोड़ा सा कम, कुछ कमी सी है। तुम स्काईकॉम, तुम्हारे कंप्यूटर सेंटर में इन्वेस्टमेंट की ऑफर देकर मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगा अनवर, पर एक फ्री टिप तो दे ही सकता हूं। जिस दिन स्काईकॉम का स्टॉक लिस्ट हो उस दिन जितनी भी सेविंग्स है इन्वेस्ट कर दो। जी, कंप्यूटर सेंटर 2 साल में नहीं 2 महीने में शुरू होगा।
इधर आ। शुक्रिया। और मेरी आप? आ जा। एक हफ्ता और रुक जाते तो अच्छा होता। कुछ काम है, जाना पड़ेगा। खुदा हाफिज। क्या आप दोनों बच्चों की तरह बिहेव करते हैं? कम से कम गले तो लग लीजिए। बड़ा हो गया, बड़ा अच्छा लगता हूं। अब आप सब मुंबई आएंगे। मुंबई? अरे हाँ, निकाह के लिए। निकाह मुंबई में होगा। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग? अरे हाँ हाँ। मुबारक हो जी। आप सभी को इनवाइट करना चाहता था। थैंक्स। शकुन सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था आई शुड आस्क यू। पूछने वाला रिश्ता उनके साथ है, मेरे साथ नहीं। हम सब आएंगे। कमिंग कमिंग। आ रहा हूं, आ रहा हूं। चलो भैया तुम संभालो, ये लो। जा रहे हैं? रिजवान आइडलाइज करता है तुम्हें। बहुत लोग करते हैं। सबको शकुन कोठारी से हाथ मिलाना है। हाउ डू यू डू? पर कोई गले नहीं लगना चाहता। और रिजवान वो तुम्हारे उतना करीब आना चाहता है। बिकॉज आई एम शोइंग हिम द गुड लाइफ। मंदिरा बहन छोकरो सारू छे। और बिकॉज यू आर नॉट शोइंग हिम योर रियल फेस। वो चेहरा जो अब तुम्हारी पहचान बन चुका है। यू नो आई जस्ट होप कि एक दिन वो पुराना वाला शकुन वापस ना आ जाए। छोकरो सारो छे, उसका भरोसा मत तोड़ना। मंदिर और हम चाहते हैं कि आमना की मेहंदी हमारे यहां से हो। आसमान भी फोसेल है। नया टेलीकॉम स्पेक्ट्रम। स्काईकॉम की डिटेल पढ़ी? हाँ जी सर। छोटी कंपनी है पर टेलीकॉम लाइसेंस के लिए वैलिड है। सारे बॉक्सेस टिक मार। अगर स्पेक्ट्रम लाइसेंस मिल गया सर तो हमारे इलाहाबाद में कहते हैं वारे न्यारे, मतलब पैसा ही पैसा। लाइसेंस तो मिलेगा। समझ गया सर। तो फिर किस बात का इंतजार है? आप कंपनी खरीद लीजिए। मैं नहीं, कंपनी तुम खरीदोगे। सिर्फ पैसा मेरा होगा। सर मैं क्यों, आप क्यों नहीं? तुम्हें लगता है मुझे कॉलर ट्यून बेचने में इंटरेस्ट है? इन्वेस्टर हूं भाई, सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है। ताबड़तोड़ तुम काबिल हो और तैयार हो। कंपनी तुम चलाओ। अब तक तुम 2% प्रॉफिट कमाने वाले ब्रोकर हो। मैं तुम्हें 15% का पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूं। सर 25%। कल सुबह वाधवा को अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देना। तैयार हो जाओ करने अपने बारे न्यारे। The share market buzzing with anticipation.
Shagun Kothari backs a new kid on the block, Rizwan Ahmed. Halaki Shagun Kothari Skycom mein partner nahi hai, phir bhi wo Rizwan ko pura support kar rahe hain. Telecom walon, kursi sambhal ke rakho. Dukaan band hone wali hai. The generation next is here. Agar Skycom ko naya spectrum license mila, to hum aap sabko 6 mahine tak free calls denge. Unlimited calls, bilkul muft mein. Girlfriend se jitni bhi baat karni hai, kar lo. Hamare kharche pe. Skycom, ladies and gentlemen. Well, big news today. It's Skycom that's going to list on the exchanges. So a big day for Rizwan Ahmed as well as Shagun Kothari. Anwar, Skycom yaad hai na? Ji Rizwan bhai. Oh ji, ho gaya ji, pakka computer center aapka. आज रिजवान अहमद की कंपनी स्काईकॉम का आईपीओ लॉन्च किया गया. स्काईकॉम बनना चाहती है इंडिया की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी. सबकी नजरें स्काईकॉम के स्टॉक पर हैं. स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले ध्यान से सुनिए, आज का हीरो स्टॉक सीलिंग दाम पर ट्रेड कर रहा है. एंड रिजवान अहमद स्ट्राइक गोल्ड. शेयर मार्केट के लिए अच्छे दिन. स्काईकॉम का स्टॉक बन गया है मार्केट का सुपर हीरो. सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है. मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है. ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है. मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है. परसों नहीं होगी. प्रेस रिलीज उसमें लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ कंपनीज डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं. इसीलिए हमने बिडिंग प्रोसेस को बदलकर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लाइसेंस एलोकेट करने का फैसला लिया है. दुबे जी, मेक श्योर ये प्रेस रिलीज प्रेस वालों को सुबह 10 बजे ही मिले. बिल्कुल. कबूल है.
स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिया है वो है छेड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज मेंशन बैंकिंग कंपनी साइटेक और मिनटेक टेलीकॉम। ये क्या है सर, शकुन कोठारी छेड़ा और तलवार से भिड़ हार गया? शकुन कोठारी हारता नहीं है संजय, गेम कुछ और है। पता लगा और रिजवान अहमद कहां है? टॉपिक आप भेज दे, सब भेज दे। एक भी हेलो हेलो गगन भाई। हाँ हाँ, शकुन सर से बात करनी थी स्काईकॉम के बारे में। है रिजवान, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ बात हो रही है। गगन भाई एक सेकंड बस। अन्ना कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अनवर का पैसा, अनवर अनवर भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं सब कुछ। मैंने तो आपके कहने पे सब कुछ लगा दिया था और स्काई को आपने तो कहा था कि रिजवान अहमद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, स्काईकॉम के बारे में बात करनी। साहब मेरा रिजवान कभी गलत, हमें अपना काम करने दीजिए। कुछ नहीं होगा अब्दू। पर रिजवान भाई, रिजवान एक मिनट। पर भाईजान शकुन सर सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है चलिए चलिए। तू खुद बोलेगा या बुलवाऊं? बोल। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, तू इस दुनिया का पहला ऐसा ओनर है जिसको अपनी कंपनी के बारे में ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में तो पता होगा। बिडिंग टेंडर, ये तेरे ही सिग्नेचर है ना? इधर देख, तेरे सिग्नेचर है ना ये? एज ओनर then you are the one officially answerable, responsible, Mr. Rizwan Ahmed. Clearly victim मैं हूँ सर, Skycom को लाइसेंस नहीं मिला। आप ये सब सवाल टेलीकॉम मंत्री से करो। या तो तू बहुत शाना है या टॉप लेवल का चोमू है या फिर हमें चोमू समझता है ना? एलोकेशन प्रोसेस की खबर आती है सुबह 10 बजे, लेकिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में 400 करोड़ के शेयर बेच दिए जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। चलो सिंप्लीफाई करके बताते हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तेरी कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया जिससे तेरी कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि तेरी कंपनी डूबती किसी ने 400 करोड़ के शेयर बेच दिए। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मिस्टर रिजवान अहमद। कोई तो है जिसने डूबती नैया से भी पैसे कमा लिए रिजवान। कौन है? मैंने कुछ नहीं किया। शकुन ने किया। शकुन सर ऐसा क्यों करेंगे? बहुत बड़ा गेम है, खिचड़ी पकाई है। दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ मिलकर तो आपकी टेलीकॉम मंत्री से पूछिए
हम खुद लॉस में हैं। तेरा लॉस, देश का कितना पैसा डूबा है जानता है? तू जैसों ने पूरा सिस्टम करप्ट करके रखा है। ओनर तू है, फंसेगा भी तू ही, जेल में सड़ेगा। सुबह तक का टाइम है तेरे पास, एविडेंस ले। कल शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। अली बाग आइएगा कभी। नमस्ते। कल की सारी डिटेल समझा। यस सर। सर आपने कहा था कि स्काईकॉम का लाइसेंस मिलेगा, पर ये सब कैसे हुआ सर? वो राणा दास गुप्ता कह रहा है कि आपने 400 करोड़ के शेयर जम कर दिए। सही कह रहा है। राणा दास गुप्ता से बहुत मिल रहे हो आजकल, क्या जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? मैं बताता हूं। चार ऑप्शन। ए, स्काईकॉम तुम्हारे लिए इसलिए खरीदी गई ताकि शेयर्स पंप एंड डंप कर सके। प्राइस बढ़ी, शेयर बेच दिया। बी, शकुन कोठारी धंधो चलाने में इंटरेस्ट न थी, इसलिए स्काईकॉम को लाइसेंस मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। सी, टेलीकॉम मिनिस्टर मणिशंकर, चेड्डा, दीपू और मेहरा की डील मैंने करवाई, ब्रोकर का काम किया, कमीशन कमाई। या डी, ऑल ऑफ द अबव। डी, ऑल ऑफ द अबव। छोकरा होशियार छे, 6,000 करोड़ मेरी फीस। कभी कभी 2% ब्रोकरेज 20% प्रॉफिट से ज्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि 2% ब्रोकरेज में नुकसान का कोई स्कोप नहीं होता। और आपने मुझे स्काईकॉम का ओनर बनाया क्योंकि आपको जेल नहीं जाना था। से भी मेरे पीछे पड़ जाती भाई। गगन भाई, अपनी ब्रोकरेज समझो या अपनी फैमिली की, क्या नाम है उसका, अनवर, अनवर के लिए कॉम्पेंसेशन। से भी नहीं फिकर न थी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, नो मनी ट्रेल, नो एविडेंस, थोड़ा हल्ला होगा, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, फिर सब ठंडा। कल से कुछ और स्टार्ट करते हैं। सर आप जानते हैं मैं आमना से आपकी तरफदारी करता था। सभी वाले कहते रहे कि आपने गेम खेली, आपने गेम खेली। मैंने कहा इम्पॉसिबल, पर मैं गलत था। और हर वो बंदा सही था जो कहता था कि शकुन कोठारी इज अ फ्रॉड। फ्रॉड?
अक्षिता पेंट्स की इंसाइडर इन्फॉर्मेशन तूने यूज की और फ्रॉड मैं हूं। स्काईकॉम की टिप अपने ब्रदर इन लॉ को तूने दी और फ्रॉड मैं हूं। मिनिस्टर को रिश्वत देकर लाइसेंस लेने से तू खुश था और फ्रॉड मैं हूं। अच्छा किया सर, अच्छा किया। जो आपने हमें हमारी जगह दिखा दी। गलती तो की है हमने, पर अब वक्त आ गया सब सही करने का। आई विल डिस्ट्रॉय यू शकुन कोठारी, तू और तेरा धंधा बंद। मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुझे किसी और को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। सुबोध चैटर्जी याद है? वो मेरे लिए काम करता था। पता है उसे मेरे पास कौन लाया? ये मेरी वजह से हुआ। सुबोध सुसाइड, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। शको नहीं, तुम नहीं हो। सुसाइड के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो खुद। तुम काबिल हो, इसलिए 2 साल से हम साथ हैं। वक्त आ गया तुम किसी और को ढूंढो जो तुम्हारी तरह काबिल है, जो लाइन क्रॉस करने को तैयार है। प्रिया, वेरी इंप्रेसिव मिस्टर शारोटी। हम यहां कूदने नहीं, उड़ने। आई हैव अ बायर ऑफ 198। शकुन अगर चाहते हैं मैं दे रही हूँ ड्रिंक्स टुनाइट। लॉटरी जीतने के लिए टिकट लेना पड़ता है। लाइन क्रॉस करो, ये लाइन क्रॉस। चैरिटी, चैरिटी, करेक्ट मिस्टर चैरिटी। तुझे लाइन क्रॉस करने को किसने कहा? अक्षता पेंट्स की टिप प्रिया ने तुझको मेरे कहना पर दी। पर फिर प्यार, मैं रिजवान को सब कुछ बताना चाहती हूँ। आई लव हिम शकुन। तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरे पास रिजवान के लिए कुछ और ही प्लान था। मैं स्काईकॉम में इन्वेस्ट कर रहा हूं। स्पेक्ट्रम बिडिंग में मेरे खिलाफ होंगे चड्डा, संदीप तलवार और विनीत मेहरा। तुम जानते हो मैं इन तीनों से कभी नहीं हारूंगा। अब तुम्हारा फैसला है। गलत फैसला। अब भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो मुझे? करोगे क्या? जहांगर का इस्तेमाल करने वाला शकुन कोठारी एविडेंस नहीं छोड़ता।
जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला, तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला, रुख ना किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। सब कुछ खत्म हो गया, जख्म रह गए, मरहम खो गए, कहानी अंत तक आ गई। अब या तो नई शुरुआत होगी या इस कहानी में मेरा अंत होगा। तुम्हें क्या लगा मैं यहां कूदने आया हूं? नहीं, मेरे सामने तीन रास्ते थे। पहला सुसाइड, एक जंप और सब खत्म। दूसरा शकुन का 1 करोड़ का चेक अकाउंट में डालूं और सब कुछ भूल जाऊं। और तीसरा डिस्ट्रॉय शकुन। ओनर तू है, फंसेगा भी तू ही। नो मनी ट्रेल, नो एविडेंस। करो आदमी को अपनी जड़ों। शकुन ने किया, दुबे और टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ। जहांगर का इस्तेमाल करने वाला शकुन कोठारी, एविडेंस नहीं छोड़ता। सुबह तक का टाइम है तेरे पास, एविडेंस ले आ। टेलीकॉम मंत्री को रिश्वत दी गई, कैसे मैं बताता हूं। एविडेंस हमेशा हमारे सामने ही था पर कोई देख नहीं सका। शकुन कोठारी किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकता है,
पर जाता है एक छोटे से भोजनालय में 60 रुपए की थाली खाने। वो दुनिया भर से अच्छे यंग और काबिल लोगों को रख सकता है, पर वो रखता है पुराने वफादार लोग गगन भाई जैसे। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है पर इस्तेमाल करता है पर्चियां। अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मैंने नहीं, शकुन ने कहा था। जवाब ना उसके आज में, ना ही आने वाले कल में। जवाब उसके बीते हुए कल में। सूरत, अंगड़िया, एक बार गुजराती और बंगाली ट्रेन में सफर कर रहे थे। मतलब मंत्री को रिश्वत कैश में नहीं, हीरो में दी जाएगी। अंगड़िया रूट कल सुबह, सूरत मुंबई, कर्णावती एक्सप्रेस। तुम्हें कैसे पता? इनसाइडर इंफॉर्मेशन। सारी एंट्री अच्छे सील करो, कोई भाग नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। तुम इधर जाओ, तुम आ जाओ। किसी को नहीं छोड़ना, बाहर नहीं जाने या जाने में। अगर मैंने किसी ट्रेन में सेबी ने रेड की है, दुख पहुंचाया है, सेबी वाले हमेशा ढूंढते रहते हैं, तो उसके लिए क्षमा, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। रिजवान अहमद साथ है। इन्फॉर्मेशन होता है जिसके लिए अवेल मोटा है। जी सर, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, बहुत टाइम हो गया। सर एक एक कोना, एक एक बैग चेक किया, किसी को नहीं छोड़ा सर। औरतें, बच्चे, टीसी तक को नहीं। नो डायमंड्स। छोड़ दो। एक बंदा है जिसे हमने चेक नहीं किया।
यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें मैं अपने आप को क्षमा स्वयं से क्षमा स्वयं ज्ञान देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ और देना चाहता हूं। आपके खैरात के पैसे नहीं चाहिए मुझे। आप मैथ्स पर चलते हैं और मैं इमोशंस पर। एक बात बताऊं सर, दुनिया भी इमोशंस पर चलती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, मैं बताता हूं कैसे। सॉरी रिजवान, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ सब आपकी वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप मंदिरा पारे के शकुन कोठारी को सही वक्त पर रोक लेती, ना वो हमारा भरोसा तोड़ता ना ही किसी और का। पर आप चुपचाप बैठी देखती रही। अब्बू ने चांटा मारा था हमें, बहुत बुरा लगा, पर आज हमें समझ में आया कि हमारे भले के लिए था। चांटा मारना पड़ता है मैम, जरूरी है। रिजवान, सूरत मुंबई कर्णावती एक्सप्रेस। तुम्हें कैसे पता? इनसाइडर इंफॉर्मेशन। जरूरी था शकुन, रिश्तों में दौड़ने वाला आदमी सिर्फ दूर जाता नजर आता है, याद है? रिश्ते ही थे, पर तुम शायद दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गए, बेचते खरीदते, इंग्लिश सीखते सीखते जय श्री कृष्ण ही भूल गए। चलो चलो,
Breaking news just coming in. Shakun Kothari, the stock market czar, the businessman, has now been arrested. Rezwan Ahmed ne Shakun Kothari ka kiya pardafash. Shishya ne guru ko dakshina dene ke bajaye dilai saza. Power broker A.N. Dubey ko CBI ne arrest kiya hai. और इस खबर के तहत स्टॉक मार्केट में हुई हलचल. स्पेक्ट्रम स्कैम की एलोकेशन के अंदर कैन रिपोर्ट में ये बोला है कि हिंदुस्तान को 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. मेरे क्लाइंट को फ्रेम किया जा रहा है. कोई रियल एविडेंस नहीं है जो इन्हें इस स्कैम से लिंक कर सके. अब देखना ये कि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल पाती है या नहीं. इस केस की एक बहुत बड़ी गवाह बन चुकी है कैपिटल ब्रोकिंग की प्रिया राय. मैंने तुम्हारा नाम नहीं दिया प्रिया, तो फिर क्यों सब कुछ एडमिट किया? ताकि टेरेस पे लोग सपने देखने के लिए खड़े हो, सुसाइड करने के लिए नहीं. सपनों की यही खासियत है ना, सपने कभी मरने नहीं देते, राइट? रिजवान, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अपना दिल भी दिया था. मैं यहां 100 मीटर का चैंपियन बनने नहीं आया हूं, मैं मो फारा बनने आया हूं. अरे मोहम्मद फारा, दुनिया का बेस्ट मैराथन रनर. बिपिन भाई, बाजार चालू छे. यो यो हनी सिंगर चमके जैसे चमके हैं आतिश है तू इंडिया पर लगे फ्रॉम मराकेश इटली का खाएंगे दोनों हम पिज्जा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरा चाहिए नू वीजा इटली का खाएंगे दोनों हम पिज्जा वेगस का होटल होगा एमजीएम 5 सितारा गोल बोतल गोल के बोतल बैग बढ़ा दे यारा यार तेरा बिल ने ले नजारा महंगा होटल करके टोटल बिल आएगा भारा यार तेरा बिल ने ले नजारा से तुझे बनाया टॉप क्लास तराशा तुझे हाथों से फिर भेजा मेरे पास अपना घर छोड़ बेबी मेरे पास है दो विलास दुबई में शिवास कैलिफोर्निया में ग्रास क्योंकि मैं मोटी सामी बिग लाइक सुनामी क्योंकि मैं मोटी सामी बिग लाइक सुनामी चार्टर की टैंकी फुल चल मुंबई टू मियामी गोल बोतल बैग फड़ा दे यार
तेरा बिल ने ले नजारा महंगा हो बिल करके टोटल बिल आएगा भारा यार तेरा बिल ने ले नजारा मोटी सामी देख लाइक